तो अमीश देवगन के साथ आशा पारिख ने इंटरव्यू में जब विवेक अग्निहोत्री को उनकी द कश्मीर फाइल को लेकर एक्सपोज किया और कहा कि कश्मीर फाइल के वायरल होने के बाद उन्होंने उस मूवी के कितने पैसे कश्मीरी हिंदुओं को दिए, तो जिसके जवाब में विवेक अग्निहोत्री ने ऐसा जवाब दिया, तो दैनिक भास्कर ने इनका इंटरव्यू छापते हुए ऐसा लिखा। विवेक अग्निहोत्री बोले, मुझे कुछ खोने का डर नहीं है, मैं बहती नदी जैसा हूँ। मुझे इस बात का डर नहीं है कि मैंने क्या बोला था और क्या नहीं। मेरी अपनी ज़रूरतें बहुत कम हैं। मुझे पैसा या भौतिक साधनों को खोने का कोई डर नहीं है। और तो और विवेक अग्निहोत्री ने इंटरव्यू में कुछ ऐसा बोला, मैं दूसरों से अलग फिल्में बनाता हूँ। विवेक अग्निहोत्री बोले, किसी को खुश करने के लिए मूवीज नहीं बनाता, सभी को पसंद आए, ये जरूरी नहीं। उन्होंने सोशल मीडिया को नेगेटिविटी फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहराया। खुद के बारे में कहा कि मुझे कुछ खोने का डर नहीं है। और उन्होंने बोला, मुझे मेरी ऑडियंस एक्सेप्ट करती है, जो लोग मेरे भाषण सुनते हैं, किताबें पढ़ते हैं, मेरी विचारधारा को समझते हैं, मुझे करीब से जानते हैं, मेरी फिल्में देखते हैं, वे लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। इतना प्यार और आशीर्वाद मुझे 10 जीवन में नहीं मिल सकता। इंडिपेंडेंट फिल्में हम बनाते हैं और उन फिल्मों को इंडिपेंडेंट ही रिलीज भी करते हैं। हम अपने हिसाब से काम करते हैं, किसी और को खुश करने के लिए नहीं बल्कि अपनी ऑडियंस के लिए काम करते हैं। तो ऐसा लिखते हैं विवेक अग्निहोत्री, जिस पर फिल्म क्रिटिक केआरके ने ऐसा लिखा। बट सर, आपकी फिल्म्स हेट स्टोरी, सेक्स स्टोरी, जिद एक्सेट्रा तो सबको पसंद आई थी। यू मेक गुड सेक्स फिल्म्स, प्लीज मेक वन मोर सर। हालांकि आशा पारिख ने जो इंटरव्यू में अमीश देवगन को सवाल करा था, विवेक रंजन अग्निहोत्री को उसका जवाब देना चाहिए। इस बारे में अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।